किराए पैसे, ये बात तो मुमकिन है कि सबकी राय से काम हो, लेकिन ये बात तो मुमकिन नहीं है कि सबके इत्तेफाक से काम। इत्तेफाक तो फैसले पर होता है, फैसले को मानने वाले इत्तेफाक पर है। फैसले के बाद अपनी राय को भूल जाना ईमान वालों की अलग बात, और फैसले के बाद अपनी राय पर कायम होना नफाक की अलग बात। इसलिए राय दे के डर जाना ये ईमान वालों की अलामत है, और राय दे के अड़ जाना ये नफाक की अलामत है। और इलियास रहमत रहमतुल्लाह अलैह अपनी राय पर अड़ने वाला तना रह जाता है। राय के दे के डर जाओ, हजरत उमर का तना नो फते मक्का हुदैबिया के, हुदैबिया के मौके पर राय दे के डर गए, राय दे के डर गए। ये वही का सिलसिला चालू हो गया, शुरू हो गया, तो अपनी सवारी को बहुत तेज दौड़ाया है। अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, मेरी वजह से आ रहा है, तो अल्लाह का अज़ाब उस पर आए मेरे साथियों पर। नहीं मैं तो माशाल्लाह बहुत पुराना मेरे साथियों के ऊपर, साथियों की गलतियों पर निगाह राय देकर डर गए। फरमाते हैं जब मुझे हुदैबिया याद आती है, रोजाना मैं कसरत से सत्कार करता हूँ और अल्लाह के रास्ते में खैरात करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, इस्तग़फ़ार करता हूँ, दुआ करता हूँ, ए अल्लाह उमर के उस दिन के अपनी राय पे अड़ने वाले गुनाह को माफ़ कर दे। राय देकर डर गए, राय अमानत है, कल क़यामत में पूछा जाएगा तुम्हारी राय देने की गरज क्या थी, राय देने की। तो राय देना ये हमारा हक नहीं है, वोट देना लोग हक समझते हैं, वोट देना हक होगा, राय देना हक नहीं। राय दी जाए तो ले जाए, ना ली जाए तो न ले। मशवरा के बगैर इज्तिमाइयत पैदा सबसे बड़ा अमल है, जैसे इस्लाम में सबसे बड़ा अमल नमाज है, सबसे बड़ा इज्तिमाई अमल नमाज है, नमाज से बढ़कर कोई इज्तिमाई अमल नहीं। रोजे की रूह नमाज है, हज की रूह नमाज है, ज़कात नमाज के आगे मुस्तलाबात ज़कात, ज़कात नमाज के ताबे। इसे उलमा ने लिखा है जो नमाज का अहतमाम नहीं करता उसकी ज़कात का एतबार नहीं, ज़कात देते नमाज है, ज़कात नमाज के बाद है, नमाज के उस ज़कात उस शख्स की ज़कात का एतबार नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता। जब उस शख्स की दीन का एतबार नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता, तो उस शख्स के ज़कात का एतबार कहाँ से होगा, उस शख्स के रोजे का एतबार कहाँ से हो जाएगा। उस शख्स के दीन का एतबार नहीं है जो जानबूझ कर नमाज छोड़ दे। जैसे इस्लाम में नमाज से बढ़कर इज्तिमाई अमल कोई नहीं है, वैसे दावत के काम में मशवरे से बढ़कर इज्तिमाई अमल कोई नहीं है। والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامروا بالشورى بينهم، یہ نماز کے ساتھ اللہ نے مشورے کو بیان کر کے، حالانکہ نماز کے ساتھ زکات آتی ہے تو زکات مشورے کے بعد ہے، زکات مشورے کے بعد ہے کہ مشورے کو کیوں بیان کیا، یہ جو اہمیت اسلام میں نماز کی ہے وہ اہمیت مشورے میں دعوت کے کام ہے۔ جیسے نماز اسلام کا سر ہے ویسے مشورہ تبلیغ کا سر ہے۔ اس نے نماز کو قائم کیا، دین کو قائم کیا، اس نے مشورے کو قائم کیا، تبلیغ کو قائم کیا، اس نے نماز کو چھوڑ دیا، دین کو گرا دیا، اس نے مشورے کو چھوڑ دیا۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جو جان بوجھ کر مشورہ چھوڑ دے اس کا تبلیغ میں حصہ کہاں ہے۔ یہ ہمارا حصہ اسلام میں نماز کی وجہ سے ہے، ہمارا حصہ اسلام میں نماز کی وجہ سے ہے، ہمارا حصہ اس کام میں مشورے کی۔ حضرت نے فرمایا کہ مشورے میں آگے وہ بیٹھا کریں جو نماز صفحے اول میں پڑھتے ہیں، جو صفحے اول میں نماز نہیں پڑھتے ان کو مشورے میں آگے بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے نماز پہلے مشورہ پر اقیم الصلاۃ ذرا میں باقام الصلاۃ وآپ مشورہ میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ پہلے سب میں نماز میں نہیں ہوتے، مشورے میں آگے رہتے ہیں، مشورے میں آگے رہے۔ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے تو قرآن ہیں آدھوں کے سردار، ایک نئے مسلمان امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے، اب اس کا اہتمام کو نہیں کرتا، کوئی بھی کھڑا ہو جائے امام صاحب کے پیچھے، حالانکہ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہونے والا امام کا نائب ہے، اس کے دل میں نماز کا پڑھنا۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، نوجوان ہوتے ہیں جوش میں آ جاتے ہیں، نماز کے بعد پوچھا آپ کو نماز پڑھانا ہوگا تو پڑھا لیں، تو گھبرا تھا میں نماز میں نے جہاں پڑھے ہونے والی ذمہ داری ہے، اس کے بعد وہاں کنارے چلا گیا۔ تو ایک نئے مسلمان کھڑے ہو گئے امام صاحب کے پیچھے، حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ کر کھینچ کر
पीछे किया और खुद खड़े हो गए। नमाज के बाद कहा बुरा ना मानना, यहाँ खड़े होने का हमारा हक है, कुरान को जानने वाले खड़े होने का किसका हक है? कुरानों का, कुरान आगे हैं। जो नमाज में आगे नहीं है मशरे में आगे कैसे? इसे हजरत ने फरमाया लोग दुनिया का काम करने के लिए सफारा करते हैं, शादी है, रुख्सती है, कारोबार है, प्लाट लेना है, क्या करते हैं? दो रकात इस्तेकाम से पहले क्या करते हैं? दो रकात। कितना बड़ा दीन मकसूद है, मतलूब है, और दीन के मशवरे के लिए बगैर नमाज क्या? दीन के मशवरे के लिए बगैर नमाज। बाद लोग मोबाइल पर राय देते हैं,